alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a very very good morning nazreen. जहाँ जहाँ तक मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद करते हैं आपके अपने शो पे, और सबका बेहद शुक्रिया जो मेरा साथ देते हो. जुमे का दिन है, हमारी शो की रिवायत है कि हम जुमे को पहले दुआ करते हैं. आप लोग सब दरूद शरीफ पढ़के मेरा साथ दीजिए और फिर दुआ में शामिल होइए और आमीन कहते रहिए. हो सकता है कोई ना कोई हमारे साथ ऐसा नेक बंदा होगा जिसकी आमीन से अल्लाह ताला हम सब का बेड़ा पार कर देंगे इंशाअल्लाह ताला. आमीन सब आमीन. या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़यूम, या ज़ुल्जलाले वल इकराम, या नानो, या मनानो, या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन, या रहमर रहीमीन, या समीउ दुआओं, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब की नेक दिली, अरमान, जायज़ ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएँ, जो भी हमारे हक़ में बेहतर हो अल्लाह पाक उसको कबूल और मकबूल फरमा दीजिए. या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, ख़ताकार हैं या अल्लाह, लेकिन आपके ही बनाए हुए हैं, आप ही के बंदे हैं या अल्लाह, और आपका कहना है तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करने वाला बैठा हूँ. तो या अल्लाह, हम सब के हाथ आपके आगे हम हाथ फैलाए हुए हैं या अल्लाह. हमने बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में या अल्लाह, जो भी गुनाह किए हैं आप उनको माफ़ फरमा दीजिए. आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, अपनी रहीमी का वास्ता, अपनी करीमी का वास्ता हम सब के गुनाह को बख्श दीजिए और हमें ऐसा पाक कर दीजिए जैसा हम अभी अपने माँ के पेट से पैदा हुए. पाक परवरदिगार, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए. हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाए अल्लाह ताला. या हयो, या कयूम, या ज़ुल्जलाल इकराम, कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना. मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना. आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना. प्यारे नबी के हाथों जामे कौसर अता फरमाना. प्यारे नबी के शिफात नसीब फरमाना. पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी से गुजार देना अल्लाह पाक. जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना या अल्लाह. जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमाना या अल्लाह. जिस जिस के माँ बाप, मेरे माँ बाप समय जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब की मगफरत फरमा दें. उन सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकामात अता फरमा दीजिए. उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़की को खोल दीजिए. पाक परवरदिगार, हमसे ऐसे काम ले लीजिए जो हमारे माँ बाप के लिए सदका जारिया हों. या अल्लाह पाक, बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए. जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए. जो बग़ैर शादी शुदा हैं, माँ बाप परेशान हैं, उनके रिश्तों के लिए उनका नेक पर नेक नसीब खोल दीजिए. जो बच्चे शादी शुदा हैं उनको हमेशा खुश आबाद रखना या अल्लाह. उनको उन सब में ऐसी मोहब्बत डालना जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा तुल कुबरा जैसी मोहब्बतें उनमें अता फरमा देना. मेरे अल्लाह, हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा जैसी मोहब्बतें अता फरमा देना या अल्लाह. बेटियों को हमेशा अपने घर में सुखी रखना पाक परवरदिगार. या अल्लाह, हमें इतनी नेक हिदायत दीजिए कि हम हमेशा अपनी बहुओं को अपनी बेटी समझें, उनको बेटियों की तरह रखें पाक परवरदिगार. हमारे बेटों को नेक हिदायत दीजिए कि वह हमारी बहुओं को हमेशा खुश और आबाद रख सकें. या अल्लाह पाक, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए. हर वबा से, हर बीमारी से हमारे मुल्क को बचा के रखना या अल्लाह. इस कोविड को कुन फयकून कह के आसमान पे उठा लीजिए या अल्लाह. बहुत सारे लोग बीमार हैं, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं या अल्लाह. सबको सेहत कामला, आजरा, आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाते. हॉस्पिटल ले जा के मौत ना देना, डायलेशन में डाल के मौत ना देना या अल्लाह. वेंटिलेटर पर डाल के मौत ना देना या अल्लाह. कैंसर की हालत में मौत ना देना, कोविड की हालत में मौत ना देना परवरदिगार. हमें मक्का मदीना में मौत अता फरमाना, नमाज की हालत में मौत, सजदे की हालत में मौत अता फरमाना, रोज़े की हालत में मौत अता फरमाना. पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए. प्लीज़ अल्लाह ताला, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, जो हमारे हक़ में बेहतर है उसको कबूल फरमा दीजिए. जो जो सफ़र में हैं, सफ़र में जा रहे हैं, सफ़र से आ रहे हैं, सबको अपनी पनाह में रखना, अपने हिफ्ज़ अमान में रखना. मेरे अल्लाह, खुश आबाद रखना. आमीन या रब्बुल आलमीन. जी जनाब,
आज का मेन्यू बहुत ही शानदार, मैंने आपसे कल कहा था ना मैं बनाऊंगी आज मटन लेग रोस्ट। अच्छा, इस मटन लेग रोस्ट में दो मैरिनेशंस हैं। पहला जो मैरिनेशन है वो मैं घर से करके लाई हूँ, मैंने 8 बजे कर लिया था, ठीक है। और इसलिए उसको पहला मैरिनेशन किया था कि उसमें मुझे पपीता लगाना था, मैं आपको समझाऊँगी या परेशान ना हूँ, ठीक है। और फिर पहला मैरिनेशन करके आपने 2 घंटे छोड़ दिया, और फिर उसके बाद में जो उसका दूसरा मैरिनेशन है वो मैं भी आपके सामने हर चीज़ ब्लेंडर में डालेंगे, उसको पीसेंगे, ग्राइंड करने के बाद रान पे, पहले मैरिनेशन तो हुआ हुआ है ना, फिर दूसरे मैरिनेशन उसी पे लगाएंगे, उसी फर्स्ट मैरिनेशन पे लगाएंगे, और फिर आप थोड़ी देर छोड़ेंगे। लेकिन ज़ाहरी बात है मेरे पास टाइम नहीं है छोड़ने को, तो मैं उसको फ़ौरन से कर दूँगी, ठीक है, फ़ौरन डाल दूँगी। और मैं थोड़ी आई एम यूजिंग अ प्रेशर कुकर, प्लीज़ आप लोग मत करिएगा, प्रेशर कुकर में रान की लज्जत ख़त्म हो जाती है। इस रान को धीमे 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 पे आप 1.5 से 2 घंटा पकाएं, क्या रान बनती है, ठीक है। और हम बना रहे हैं कीमे के पराठे, मीन्स कीमा पराठा, मतलब मुगलाई कीमा पराठा, और बिस्किट स्प्रेड 3 मिल्क केक, दैट्स लोटस, लोटस स्प्रेड 3 मिल्क केक बना रहे हैं, ठीक है। मुझे आज केक भी बेक करना है, तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और स्टार्ट करेंगे शो। पहला मैं आपको रान बता के, और मैं रान को चढ़ा रही हूँ उसमें प्रेशर कुकर में, ताकि जल्दी हो जाए ना, 1 घंटे में हो जाए। और फिर मैं फ़ौरन केक की केक के स्पंज की तरफ आऊँगी। ओके, ये देखें, पहला मैरिनेशन इस रान पे लगा हुआ है। मटन लेग मैंने दी थी 1.5 किलो, थोड़ी सी बड़ी मुझे मिली है, 1.5 किलो की नहीं मिल रही थी, ये तकरीबन 2.5 किलो की है। अच्छा, इसको मैंने मैरिनेट किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी डाली थी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून लेवल करके, सिरका सफ़ेद 2 टेबल स्पून, और मैंने लिया है ऑफ कोर्स फ्रेश स्ट्रीट का सिरका, और हमने इसमें थाई चिली सॉस डाली है, 1/2 टेबल स्पून नहीं है, 1.5 टेबल स्पून है, और सोया सॉस भी 1/2 टीस्पून नहीं है, 1.5 टीस्पून है फ्रेश स्ट्रीट की। ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें मैरिनेट कर लिए, ठीक है। ये तो हो गया, और कच्चा पपीता 2 टेबल स्पून, ये तो हो गया आपका 2 घंटे, इसको तो हो गए हैं 2 घंटे, ठीक है। अब जो इंग्रेडिएंट्स फॉर सेकंड मैरिनेशन है वो जा रहा है इस ब्लेंडर में, एक कप दही, अभी से सिखा दिया है मैंने आपको, अच्छा स्पेशल ओकेजन के लिए, ईद के लिए, दावतों के लिए। अच्छा, ये हो गया हमारा 1 कप दही, इसी में मैं डाल रही हूँ 1/2 कप प्याज, लाल प्याज पिसी हुई, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसमें जा रहा है 1 टेबलस्पून खशखाश, 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स, 4 मगज़ और 12 काजू। जहाँ पे जिस इलाके में आपको खशखाश नहीं मिल रही है तो आप काजू को डबल कर लीजिए, मैंने 12 लिए हैं, आप 20-22 ले लीजिए। ये रहा तीनों चीज़ों का पेस्ट पाउडर बना के, ठीक है, ये चला गया। उसके बाद दही चली गई, अब नमक वापस जाएगा इसमें, 1 टीस्पून वापस डाल दीजिए इसके मसाले के लिए। ये चला गया, हरा धनिया जाएगा इसमें 3 टेबलस्पून, ठीक है, और इसमें जाएगी हरी मिर्चें, जितनी आपको तेज़ी चाहिए। चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, मैं 12 डाल रही हूँ, ज़्यादा तेज़ चाहिए 15 डाल लो, वैसे 15 में भी तेज़ नहीं होता है, अच्छा मज़े का होता है, ठीक है। और इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, इसको आप पीस लो, इसको आप, मैं पीस रही हूँ, और मैं पीसने के बाद इसमें अच्छी तरह रब करूँगी, खूब अच्छी तरह दोनों साइड से,
और फिर ब्रेक से आएंगे और हम इसमें चढ़ा देंगे। ठीक है, समझ आ गया ना? मिलते हैं ब्रेक के बाद। खुश आमदेद, मैंने आपका इंतज़ार नहीं किया, माफ़ी चाहती हूँ, इसलिए कि मुझे बस रान को किसी भी तरह फर्स्ट क्लास गलाना है। अच्छा, मैंने आधा कप घी लिया। ये घी में बहुत मज़े की बनती है, लेकिन कोई वजूहत है, हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ है, कोई मसला नहीं है, आप ऑयल डाल दीजिए। आधा कप मैंने ऑयल या घी लिया, आई हैव टेकन घी, ठीक है, घी लिया और उसमें मैंने रान को अच्छी तरह से मिक्स किया था, बहुत अच्छी तरह इस मसाले से, और रान को मैं अच्छी तरह से एक साइड पे फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से 5-7 मिनट फ्राई करें। जब वो अच्छी तरह से हो जाएगी एक साइड पे, फिर हम उसको टर्न करेंगे और दूसरी साइड पे रोस्ट करेंगे। जब दूसरी साइड पे 5-7 मिनट तक रोस्ट हो जाएगी, फिर हम ये पूरा इसका मैरिनेशन और 4 कप पानी डाल के इसको छोड़ेंगे। किस वक्त? जब आप पतीली में कर रहे हैं, ठीक है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जल्दी मत मचाइएगा, रान पकने वक्त पतीली में ही बनाइए, ठीक है। मैं 2 कप पानी डालूंगी बिकॉज़ प्रेशर कुकर में कर रही हूँ। ईद की रान होती है, बकरा ईद की, कुर्बानी की रान होती है, उसमें पानी 6 कप जाएगा, बिकॉज़ वो रान बड़ी होती है, वज़नी होती है, 2.5-3 किलो से कम की रान नहीं होती, बड़ा जानवर अगर होता है तो। और ये जो सारा मैरिनेशन था, फर्स्ट मैरिनेशन, सेकेंड मैरिनेशन, ये सब थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिएगा बड़ी रान में, वरना फीका फीका लगेगा, ठीक है। बस इन चीज़ों का ज़रा सा ख्याल रखिए। ये तो लग रहा है 8 बजे से मैंने पपीता लगाया है, मैं इसमें पानी बहुत कम डालू, गलने हो रही है, ये गोश्त अलग। और जब इस तरह का खाना हो तो फिर साथ में हो कोका कोला, क्या बात है। इसलिए कि जब ऐसी चीज़ बनती है तो ज़ाहरी बात है सब साथ मिल के बैठ के खाते हैं तो मज़ा आता है। ईरान बने और एक बच्चा आ रहा है, एक पीस ले रहा है, दूसरा आ रहा है, दूसरा, ऐसा नहीं मज़ा आता। ऐसे स्पेशल खानों में, ऐसे मौक़ों पे तो सब साथ मिल के खाते हैं। ऐसा टर्न होगा ये, लिया ना, नहीं हुआ, मेरा हाथ जल गया। यही तो बात है। अल्लाह ताला, आज इम्तिहान है मेरा, आप ही मदद करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इस और इतनी बेहतरीन गल रही है ये, मैं इसमें सिर्फ 1 कप पानी डालूंगी, ठीक है। अब मैं इसको रोस्ट करने दे रही हूँ, आप आइए फटाफट हमारे केक पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने 3 दूध शामिल किए हैं। 1 कप मैंने डाला है फ्रेश मिल्क, 1 छोटा टिन मैंने डाला है एवेपोरेटेड मिल्क 1/2 कप, और ये देखें नीचे 1/2 कप है कंडेंस मिल्क। इन तीनों मिल्क को मुझे बहुत अच्छी तरह से हिलाना है और एक तरफ रखना है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं शीना आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र।
नापा, मुझे आपसे ये पूछना था कि असल शहद की पहचान मतलब हमें कहाँ से मिलेगा, लेकिन इसके में कौन सी कंपनी है, उसका नाम क्या है? मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन फिर हम ये शहद कहाँ से, कहते हैं कि जहाँ से भी शहद लेते हैं वो बिल्कुल असल नहीं होता, चीनी जैसा बन जाता है खाने में, ऐसा लगता है चीनी का जायका हो। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आपको मिलता है असली शहद, बिल्कुल मिलता है। तो यही ना, अगर शीना पा आपको हेल्प बता दें तो फिर हम, मैं नहीं बता सकती, मजबूर हूँ, नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप खुद देख लें, जब बाजार में शॉपिंग करने जाती हैं तो जब ग्रोसरी स्टोर जाती हैं तो नीचे शहद अगर असली नहीं होगा तो वो नीचे चीनी जमी हुई ज़रा ज़रा सी नज़र आती है, जो असली होगा वो बिल्कुल सेम एक ही खूबसूरत कलर का होगा। बस अच्छा जी, केक पे आइए। बटर लेंगे हम 2 आउंस, बटर, ठीक है, 2 आउंस बटर को हमें बीट करना है 2 टेबलस्पून लोटस स्प्रेड के साथ। ठीक है, 2 टेबलस्पून लोटस स्प्रेड के साथ हम बटर को बीट करेंगे, ये केक बन रहा है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप शुगर, और इसको हमें बीट करना है। फिर हम इसमें अंडे डालेंगे 4 एक एक करके, जब तक मैं इसको बीट कर रही हूँ ब्रेक आ चुकी है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। मैंने इसमें वो पूरा मैरिनेशन और 1 कप पानी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बटर, शुगर, लोटस स्प्रेड 2 टेबलस्पून सबको बीट किया, साथ में 2 अंडे डाल दिए हैं, मुझे 2 और डालने हैं। एक एक करके डाल रही हूँ और बीट कर रही हूँ। फाइनल 4th egg, ठीक है। अब हम इसमें फोल्ड करेंगे मैदा 1.5 कप, बेकिंग पाउडर फ्रेश ट्रीट का 1 टीस्पून, वेनिला पाउडर फ्रेश ट्रीट का 1 टीस्पून एंड पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, वेनिला पाउडर,
1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून, इनकी सारी प्रोडक्ट्स आपको पता है बहुत अच्छी होती हैं, फ्रेश शीट का बेकिंग पाउडर। अब मैं इसमें शामिल करूंगी मैदा, फ्लावर 1.5 कप, हाफ कप, लो स्पीड पे। क्वार्टर कप मिल्क, अस्सलामुअलैकुम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। जुमा मुबारक आपा। खैर मुबारक बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आपका हाथ भी जला है, एहतियात से प्लीज काम किया कीजिए। मुझे मालूम है लाइव शो है, लेकिन आपा कुछ ऊपर नीचे अगर कुछ हो जाता तो कोई मसला नहीं आपा, हम लोग बेयर करते हैं इस बात को कि लाइव शो है। बेटा 10 दफा तो घर पे जलता है, कोई जरूर ऐसी थोड़ी है, होता है, कोई बात नहीं। जो खाना पकाएगा उसका हाथ तो जलेगा, आपको नहीं जला आज तक? आपा अभी तक तो नहीं क्योंकि आपकी गाइडेंस जो है ना वो मेरे साथ रहती है, तो इस वजह से। हाँ किचन में बहुत ज्यादा गंदा कर देता हूँ, जिससे घर वालों से वो जो है ना रहती थी, लेकिन अब किचन में गंदा नहीं करता। अच्छा बहुत अच्छी बात है बेटा। अच्छा अच्छा आपा, मुझे आज आपसे यही इसी रान के मुताबिक बात पूछनी है। आपने जो मैरिनेशन की है दो तरह की, पहले तो आपने पपीता लगाया। अच्छा आपा इसको अगर दूसरी जो मैरिनेशन है उसे लगा के मैं ओवरनाइट रख दें तो कोई इशू तो नहीं है उसका? फिर पपीता आप कुक करने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले लगाइएगा, बाकी दोनों मैरिनेशन करके पूरी रात फ्रिज में छोड़ दें। दोनों मैरिनेशन से आपकी क्या मुराद है? जो पहला पपीता लगाना है वो भी लगाना है आपा? वही तो, एक ही पपीता लगेगा, लेकिन वो कुकिंग से पहले आप लगाएंगे, वरना तो पूरी रात में तो आपके हाथ में फिर कीमा आएगा। ओके ओके ओके, मतलब पपीता बाद में लगाऊं? हाँ, कुकिंग से 1.5-2 घंटा पहले। ठीक है आपा। और आपा अगर इसको बेक करना हो तो इसको फिर सेम तरीका है, आप पानी शानी भूल जाएं, आप ये मसाले के साथ इसको बड़ा फॉइल लीजिए, फॉइल में आप पूरी रान और मसाला डालें और अच्छी तरह से उसका एनवेलप बनाएं, फोल्ड करें और आप उसको ट्रे में रख के डाल दें 2 घंटे के लिए ओवन में, 1 घंटे के बाद निकालें और उसको टर्न कर दें फॉइल के साथ ही, और फिर दोबारा से बेक करें। ठीक है आपा। और आज कल आपने कैरामल पुडिंग बनाई थी ना, वो अबर लेट नाइट कल मैंने बना ली थी रात में। कैसी बनी? तो आज आपा आज उसमें अच्छा। आपको भेजूंगा और चेक करके, क्योंकि आपने कहा था ना ओवरनाइट। जी जी जी, अब मैं दिखाती हूँ ना आप लोग को, निकालूंगी। जी बिल्कुल आपा, वो आप भी दिखाइएगा और मैं भी आपको शाम में दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। ये तो होता रहता है, मेरे तो इतनी दफा हाथ जले हैं, ऐसे ऐसे जले हैं कि क्या बताऊं, निशान है सब जगह। ठीक है, अब ये ओवन में जा रहा है 1.5 घंटे, उम्मीद है 1.5 घंटे में हो जाएगा। अब हम इसको ओवन में डाल रहे हैं, यहाँ से सब क्लियर कर रहे हैं और पराठों पे आऊँगी। बिकॉज अब मुझे ना केक को, जब तक 1.5 घंटा लगेगा केक मैं नहीं कर सकती, और इसको रान को भी मुझे 1.5 घंटे के बाद खोलूँगी। देखो ये सही नहीं है, अच्छा वह देख लिया। अस्सलामुअलैकुम ज़ोरा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत करम एहसान। अच्छा आपा, मुझसे आपको ना एक बात करनी थी कि शुगर फ्री जैसे केक बनाना हो एक पाउंड का, तो उसमें कितनी मतलब चीजें, शुगर कितनी डालनी चाहिए? नहीं, मुझे नहीं, सॉरी सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या पूछा आपने। एक पाउंड के केक के लिए जी, मुझे ना जैसे शुगर फ्री केक बनाना है। ओके, तो शुगर फ्री आप केक नहीं बना सकती, आपको उसमें जो आर्टिफिशियल चीनी आती है वो डालनी पड़ेगी। अच्छा हाँ, उसके बगैर नहीं बनेगा ना। तो ये आप बताएंगी कि मतलब वो ये कहाँ से होती है? मिलती है, मैंने बहुत दफा इसका शो भी किया। मैं आज आपको दोपहर में कॉल करके बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है आपा। और सब ठीक है आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं आपको कॉल करती हूँ और बताती हूँ आपको। नहीं 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 नहीं, गुड़ नहीं डाल सकता मैं, आपको बताती हूँ आपको क्या डालना है। बहुत शुक्रिया ज़ोरा। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा काम ख़त्म केक से। अब देखें, हमने स्पंज बना लिया, हमने मिल्क थ्री मिल्क मिक्सचर रेडी रखा है जिससे हमें केक को सोक करना है। अब हमें करना क्या है, केक के लिए इसका डेकोरेशन के लिए हमें क्रीम चाहिए 2 कप व्हिप्ड, और हमें यही लोटस का स्प्रेड चाहिए वो करने के लिए, मेल्ट करने के लिए। तो ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल, आई थिंक आई विल ऐड बटर टुडे, 1 टेबल स्पून बटर डाल के मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ माइक्रोवेव में, और ये हम क्रीम के साथ इसको ऊपर डाल देंगे अपने केक पे। ठीक है, आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। अब फाइनल रेसिपी की तरफ आ रहे हैं। ये मैंने निकाल दिया है कल का कैरमल। इसको आपको जब भी आप लोग घर पे बनाएं तो ये जो इसकी साइड्स हैं इसको अपनी उंगली से हल्के हाथ से इस तरह से लूज कर लें। अब फिर कोई भी प्लेटर उसके ऊपर रखेंगे। किसने मुझसे फरमाइश की थी इसकी, आई होप आप देख रही हैं शो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कैरमल रेडी है। ओके, अब आइए पराठों पे। अच्छा जी, पराठों के लिए आप कीमा आपको भूनना है। किस तरह भूनना है मैं तो भून के लाई हूँ। ठीक है, ये रखा हुआ है मेरे पास। 1/2 किलो कीमा ले लीजिए, बीफ का ले लें, मटन का, चिकन का, जो आपको खाना है। अब आपको करना क्या है कि आपको बहुत थोड़ा सा तेल, 2 टेबलस्पून आपको तेल लेना है, और उसमें आपको डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। ठीक है, 1 टीस्पून या 2 टेबलस्पून सॉरी पेस्ट डालेंगे और उसमें आप कीमा डाल दीजिए। तेल डालें 2 टेबलस्पून और 1/2 किलो कीमा डाल दीजिए। कीमा डालने के बाद जितने मसाले लिखे हुए, 1 कप कच्ची प्याज लिखी हुई है वो डाल दीजिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, ये आपने डाला। फिर आपने उसमें जो यहाँ पे 1 चॉप टमाटर लिखा हुआ है वो डाल दिया, प्याज 1 कप डाल दिए, सबको अच्छी तरह भूना। भून के 1/2 कप पानी डाल के उसको आप ढक दो। जब पानी खुश्क हो जाएगा खूब अच्छी तरह बिल्कुल सूखा भूनना है, बिल्कुल ड्राई। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कीमा। अब पराठे का जो डो है
वो हमने लिया है 3 कप मैदा, उसमें मैंने शामिल किया है 1/4 कप तेल, उसके बाद नमक 1/2 टीस्पून, चीनी 1 टेबलस्पून ये डाला है मैंने, और सॉल्ट 1/2 टीस्पून डाला है, और ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून जो सॉल्ट और सॉल्ट डाला है, और वापस से सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालना है हमें इसमें जो हम इसके अंडे फेंट रहे हैं। तीन चाहिए, मैं देख लूंगी। दो अंडे, 3 अंडे फेंट लीजिए, उसमें सॉल्ट एंड पेपर 1/4 टीस्पून डाल दीजिए। 3 होंगे तो 1/2 टीस्पून नमक और काली मिर्च डालेंगे। ये आपको बना के आप कच्चे पराठे फ्रिज में रख दें, सहरी में उठें और इसको फ्राई करें, सिर्फ फ्राइंग रह जाएगी ना फिर। अच्छा आटा ढल गया है, 9 बजे गूंदा था मैंने, 2 घंटे छोड़ा है। स्मूथ होना चाहिए बिल्कुल। केक हो गया है हमारा, आई थिंक सो। थोड़ा सा 5 मिनट अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके हम पराठे बेलेंगे। कीमा चाहिए, हरी प्याज चाहिए और अंडे चाहिए इसकी फिलिंग के लिए। अगर आप लोग चीज़ लवर हैं तो आप थोड़ा सा कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज़ डाल सकते हैं, चेडर नहीं।
मोज़रेला। ठीक है, ये एक हमने बेल दिया। अच्छा देखें, जब मैं अपने घर पे बनाती हूँ तो मैं एक के ऊपर एक नहीं डालती, ठीक है, बिकॉज मेरे बच्चे कहते हैं कि बहुत मोटा लगता है मम्मी, बहुत रोटी बहुत होती है उसमें, फिलिंग कम लगती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ जब घर में इसको बनाती हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ उस तरह। उसमें ज़्यादा भी बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग हैं ज़्यादा भी खा सकते हैं, बिकॉज इस तरह के पराठे से, एक पराठा ऐसा वाला खाने से और कोई ज़्यादा नहीं खा सकता। ठीक है, भुनावा कीमा, मज़े का चटपटा, हरी मिर्च और गरम मसाला, टमाटर, मैंने टमाटर ब्लेंड करके डाले थे ताकि इसमें नज़र ना आए। एक जो टमाटर लिखा है उसमें मैंने चॉप नहीं किया था, मैंने ब्लेंड किया था। ओके, एक मिनट, बस एक मिनट। ये गरम गरम पराठा बनाएं इफ्तार के टाइम पे भी, और साथ में टेबल पे कोका कोला हो, क्या बात है। फैमिली गैदरिंग्स के लिए, अभी इफ्तारियों के लिए, उसके बाद में ईद पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए आप पराठा, मतलब हर चीज़ के लिए कोका कोला होना चाहिए घर में। अपनी टेबल सजाएं, वीडियो निकाल के भेजें मुझे, हम हर 15 दिन बाद कुरानदाजी करेंगे। मसाला मॉर्निंग्स की पेज पे भेजें, और किसको कौन लकी है जिसको पूरे साल की सप्लाई मिलेगी कोक की। आज साले को सब्र नहीं है। अच्छा बस देखें, चलें जी ब्रेक पे। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरह चिपका रही हूँ और इस पे डाल रही हूँ, फ्राई करेंगे हम इसको। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक। अब मैं आपको एक वैसा बता देती हूँ, ये मेरा केक भी हो गया है। साले का नीड अ बिगर किचन, कब करेंगे। ये मेरी रान बहुत अच्छी गल गई है। हाँ, बकरे की रेख ही बात है।
एक मैंने आपको अपने स्टाइल का बता दिया, अब एक वैसा जैसा बनता है वैसा बता रही हूँ। ऊपर डाल दूंगी इसके, मैंने इसको तेज कर दिया है ताकि जो इसका मसाला है गाढ़ा गाढ़ा रह जाए। पानी थोड़ा सा, हालांकि मैंने सिर्फ एक कप डाला था, काफ़ी देर था ना मैरिनेशन और दही थी। हरी प्याज के पत्ते, अंडा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान। हाँ जी, आपको जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, मुझे ये कहना था कि मेरा बेटा पाकिस्तान में नहीं होता, तो वो वहाँ जहाँ रहता है ना, और लड़के भी रहते हैं, तो टर्न बाय टर्न उसे खाना बनाना होता है। ठीक है। तो उस दिन मैंने परसों अपने बेटे को आप ही की रेसिपी दी, उसे सब्जी बनानी थी, उन्हें खट्टे आलू की रेसिपी दी, तो आपने तो आधा किलो की बताई थी ना, तो फिर मैंने उसको जैसे बढ़ा के बतानी थी, उसे 3 किलो आलू बनाने, तो मतलब तो फिर 3 किलो आलू बनाने थे, तो उसके इतने अच्छे बने आपकी रेसिपी सारी थी। फिर एक दिन मैंने आपकी झटपट कढ़ाई की रेसिपी दी, उसने झटपट कढ़ाई बनाई उसने। वाह, तो कहते हैं मम्मा सब इतनी तारीफ कर रहे थे ना कि इतनी अच्छी रेसिपी से बनी है, तो मैं कहा ये सब आपा की रेसिपी से बनवा। अच्छी बात है बेटा, है तो बड़ी अच्छी, उसकी बीवी लकी होगी भाई। अच्छा, अभी तो बहुत छोटा है मेरा बेटा। बेटा शादी तो होनी है ना? हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही सही। ओके बेटा, बस थैंक यू सो मच। ठीक ठाक है, बस आज आपकी रेसिपी से मैं लेमन पेपर चिकन बना रही। अच्छा जबरदस्त। हाँ जी चलिए ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल। थैंक यू मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया, जीते रहो भाई, फंसो नहीं प्लीज। हाँ नहीं, बेहतरीन। देखें कैसी गली है ईरान की, उसका बूटी बूटी अलग हो रही है माशाल्लाह। असल में बकरीद की ईरान होती है ना, उसको टाइम लगता है, पता नहीं क्या बात है कि कुर्बानी का गोश्त देर से गलता है। ठीक है, एक हम इस तरह का बता दिया आपको, एक हमने आपको इस तरह का बता दिया। केक हमारा निकल चुका है, अब केक का एक स्टेप रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत करम है बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जुमा मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप खुश रखे, आबाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। आपका शो मुझे बहुत पसंद है आपा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। और आपा मैंने आचारी कीमा आपका ट्राई किया था, बहुत अच्छा बना आपा। कौन सा कीमा? आचारी कीमा। अच्छा ओके ओके, जबरदस्त। आपकी दुआ भी मुझे बहुत अच्छी लगती है आपा। दुआ करें अल्लाह कबूल करे बस इंशाल्लाह आपा। जी और कोई फरमाइश? बहुत शुक्रिया। अच्छा इसको आपको पूरे केक को अच्छी तरह से कांटे से या छुरी से प्रिक करना है, ये जो हमने केक बनाया है। अब इसमें हम ये डालेंगे 3 मिल्क का मिक्सचर। और डालती हूँ थोड़ा सा
सोख हो जाए। इसको बहुत तेज आंच में नहीं करना है, अंदर कच्चा अंडा है, ये ख्याल रखिएगा। क्या मसाले से खुशबू आ रही है। अच्छा, इसको आप सर्व करेंगे बॉइल्ड एग, ठीक है? बहुत गल गई है। हाँ, ले लें बॉइल्ड एग के साथ, और जो वेफर चिप्स आते हैं ना क्रिस्पी वाले लेस के या कोई, उसके साथ, और कोका कोला के साथ, ठीक है जी। बस इसको मैं 5 मिनट में डिश आउट कर रही हूँ। ये भी हमारा पराठा हो रहा है। ये पूरा मिक्सचर मुझे इसमें डालना है, जब तक आप ब्रेक लेके आइए। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और इस केक को मैंने पूरी बॉटल वो 3 मिल्क मिक्सचर से पूरी फुल कर दी थी, मतलब पूरा उसे मॉइस्ट कर लिया। और इस पे कोई पाइप शाइप नहीं होगा, बस ऐसे ही अनइवन क्रीम आपको लगानी है। 1.5 कप ले लीजिए, पूरी मैंने इस पे डाल दी, अभी तो बहुत है इसमें, ज़्यादा थी। लोटस स्प्रेड, अच्छा एक बात बताऊं आपको, फ्रेश स्ट्रीट के पास बिस्किट स्प्रेड के नाम से ऐसा स्प्रेड है, उन्होंने मुझे आज भेजा नहीं, वरना मैं उसी का बनाती। थोड़ा सा स्वेल दे दें क्रीम के साथ तो खूबसूरत लगेगा। लोटस बिस्किट्स, ये भी अगर आप एक दिन पहले बनाएं, केक सोख होने दें और मज़े का लगता है, पूरा अंदर तक केक वो जाता है मिल्क। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, ये देखें, ये हमारी रान, चलें जी ये हो गई रान, मैं वहां लेके जा रही हूँ, आप लोग बढ़िए ब्रेक की तरफ।
जी वेलकम बैक। पुडिंग, कैरमल पुडिंग भी है हमारे यहाँ की, ठीक है जी। आई होप आपको इतना खूबसूरत सा सजा हुआ टेबल और साथ में रखी हुई कोका कोला से ही तो मज़ा दुबाला होगा। देखें ना, हम भी तो यही कर रहे हैं, थोड़ी सी कोक और फिर पराठा हो मज़े मज़े का, और फिर उसको फिनिश करने के लिए हम मेरा फेवरेट मीठा कैरमल पुडिंग, आई लव इट। ठीक है, अंदर तक तस्कीन मिल जाती है। ठीक है जी, आप भी इसी तरह टेबल सजाएंगे या ग्रोसरी करते हुए अपनी कार्ट में कोक डालेंगे, कोक होना चाहिए आपका, और आप उसकी वीडियोस बना के हमारे सोशल मीडिया यानी फेसबुक के मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे भेजिए। हर 15 दिन बाद लकी ड्रॉ होगा, जो जिसकी बेस्ट वीडियो होगी उसको पूरे साल की सप्लाई कोका कोला की मिलेगी, उनके घर पे पहुंचा दी जाएगी। तो किस चीज़ का इंतज़ार है, 15 दिन पूरे होने वाले हैं एक नेक्स्ट वीक, जल्दी से शुरू हो जाइए। ठीक है जी, इंशाल्लाह वक्त आ चुका है अब आपसे इजाज़त लेने का। आपसे 2 दिन की इंशाल्लाह छुट्टी के बाद पीर वाले दिन नए एक्साइटिंग मेन्यू के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। लुक आफ्टर योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट वीकेंड, अल्लाह हाफिज़।